लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के समीप अंबेडकर प्रतिमा के समीप कचरा का अंबार हो रही है परेशानी। लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के समीप अंबेडकर प्रतिमा के पास जो है कचरा का अंबार है, चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण से अंबेडकर के प्रतिमा के समीप कोई नहीं जा पा रहे हैं। उसके मुख्य द्वार पर ही कचरों की अंबार है और जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। इधर लोग आते भी नहीं है और न ही अंबेडकर जी के प्रतिमा को लोग उन्हें माला पहना पाते हैं या साफ सफाई या जो भी उनके जो श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो अंबेडकर सेवा संस्थान के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नगर विधायक संजय सरावगी, नगर निगम एवं यातायात प्रभारी से जो है बात करके उन्होंने यह आवेदन दिया है कि जल्द से जल्द प्रतिमा स्थल के समीप साफ सफाई किया जाए। आप तो देख ही रहे हैं, दरभंगा म्यूजियम चंद्रधारी संग्रहालय है, उसके बगल में ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। इस प्रतिमा के अंदर कितना सारा कचरा फेंका जाता है, फूलों का सरा गला सब कुछ इसी के अंदर फेंका जाता है। अगल बगल में पूरा कचरा ही कचरा है, जिस पर ना ही प्रशासन का नजर जाता है, ना ही नगर विधायक का, ना ही सांसद का नजर जाता है, जो कि एक अपमानजनक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। इस बात को मैंने देखा, बहुत दिनों से मैं ये देख रहा था, बट इसी कारण बस मैं भी बीच में व्यस्त था। आज मुझे फुर्सत मिली, मैं जाके कई जगह जाकर इसके लिए आवेदन दूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका जल्द से जल्द निर्णय निकाला जाए और इसका साफ सुथरा कर पुनः इनका माल्य अर्पण कर इनको सम्मानित किया जाए। मेरा नाम आदर्श कुमार हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्था का संस्थापक। यहाँ जितना भी दुकानदार है सब इसी में कचरा फेंका करते थे, उसके बगल में भी साफ सुथरा करते रहते हैं, हम देखभाल करते हैं। अब कब तक हम यहाँ पे रहेंगे, दुकान भी चलाते हैं, मेरे आगे पीछे कोई देखने रखने वाला नहीं है। शाम सुबह पूजा पाठ करते हैं इनका, बाबा साहेब अम्बेडकर का, तरफ के जाते तरफ के आते हैं। और हम चाहते हैं जैसे म्यूजियम है इस जगह पे 10 तरह का व्यक्ति यहाँ पहुँचते हैं, इस जगह भी वो साधन मिले ताकि कहीं से कोई आदमी आवे तो यहाँ पे बैठे, 10 मिनट समय बिता, बैठने का अगर कोई चाहता भी है तो वो नहीं बिता पाता क्योंकि यहाँ कोई साधन ही नहीं, पूरा कचरा भरा हुआ है। कितना रोज साफ करेंगे, एक हफ्ता पर साफ करते हैं, आज करते कल हो जाता है, क्योंकि पूरा जितना भी है सब रोड़ा पत्थर है और वेस्ट होता है। अब हम दुकान ना तो थाना वाला को थाना का नजर जाते हैं, ना नगर निगम का, नगर निगम में हम भी दो बार कंप्लेन किए हैं, यहाँ पर बोले हैं लाइट के लिए लाइट सुविधा था, यहाँ पे कुत्ता के वजह से आग जला दी, अधिकारी लोग जो मांग के खाते हैं उसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके बारे में भी आवेदन दिए हैं, जो कम से कम एक लाइट जलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। की नाम लोग? मेरा नाम विक्रम कुमार पासवान हुआ सर।